अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज आफ्ताब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब ब्लॉग्स। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इन्फिनिक्स 030। आप देख रहे हैं अभी इन्फिनिक्स ने यहाँ काफ़ी अच्छा मॉडल लॉन्च किया है। अभी चलो अनबॉक्स करते हैं आगे। चार्जर निकल रहे हैं और हेडफोन वगैरह की जगह नहीं है इसमें। चलिए इसको साइड करते हैं फिलहाल। दोस्तों ये वायदे है कि मोबाइल इन्फिनिक्स का जो इन्फिनिक्स ने 120 हर्ट्ज इन कर्व डिस्प्ले लॉन्च किया है, और जो मेरे पास का वेरिएंट है वो इन्फिनिक्स 030 4G का वेरिएंट है, और इन्फिनिक्स 030 5G का, और इन्फिनिक्स 030 5G भी कर्व डिस्प्ले में ही आता है। तो डिफरेंट ये वो 5G है, ये 4G है। वो 5G सपोर्टेड करता है, ये 5G सपोर्टेड नहीं करता है। वैसे भी पाकिस्तान में 5G अभी तक आई नहीं है, तो उसको लेना मेरे ख्याल से। तो दोस्तों चलने में भी अब काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं अभी ये देखें। और ये मैंने इसका ग्लास लगवाया था और ये इसमें बबल रह गया, तो इस वजह से आप सोच रहे होंगे ये बबल किस चीज़ का आ रहा है, तो ये ग्लास की वजह से है। इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो लगाने वाले की थोड़ी गलती थी, तो मैं अभी इसको चेंज करवा लूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें हेडफोन नहीं है भाई, हेडफोन ना ही आती है बॉक्स के साथ, सिर्फ चार्जर आता है और सिलिकॉन है इसका, एक कवर आता है और इसकी हेडफोन नहीं आती। ठीक है, इसमें आप हेडफोन टाइप सी की अगर आती है तो आप लगा सकते हैं, वरना वायरलेस हेडफोन एयरबड्स वगैरह ये लगा सकते हैं, वायरलेस हेडफोन वगैरह। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ, ये ऊपर ऑप्शन आ गया इसका, ये देखें, ये इसकी सेटिंग है यहाँ, ये इसकी काफ़ी सेटिंग अच्छी लगी। और काफ़ी वेट भी नहीं है इसका, काफ़ी हल्का मोबाइल है। इसकी चिपसेट मीडिया टेक G99 की है, और फ्रंट कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, ब्लॉगिंग कैमरा जिस ये इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल फ्रंट ब्लॉग कैमरा 2K। ठीक है, तो हम बात करते हैं बैक कैमरा की। बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का, इसकी जो चार्जर है 45 वॉट का है, 45 वॉट का है, जो कि जल्दी बहुत जल्दी चार्ज करता है, तकरीबन आधे घंटे में काफ़ी ज़्यादा कर जाता है, आधे घंटे में 40 रखोगे तो 90 प्लस ही आपको मिलेगी, जो कि मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है एक मंथ, उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी इसका परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत अच्छी ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। कि 256 GB इंटरनल स्टोरेज है और 16 GB रैम है, 8 GB की रैम आती है, 8 GB एक्सटेंडेड है, तो टोटल मिला के 16 GB है। इन्होंने उस पर भी ऐसे ही लिखा है 16 GB 8+8 8+8 GB रैम है। ठीक है, तो मसेट मीडिया टेक G99 है। तो दोस्तों इसमें 3 कलर आते हैं, गोल्डन, एक वाइट, और दोस्तों इसकी बैटरी 5000 mAh है, 45 वोट का चार्जर इसके साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो मैंने ऑर्डर किया है ना वो ग्रीन है, ग्रीन आप देखते हैं, देख सकते हैं लेदर है पूरा, ये इनकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये देख सकते हैं आप लेदर है। दोस्तों जब इन्होंने इन्फिनिक्स ने ये मोबाइल लॉन्च किया था, इसकी प्राइस 60,000 rupees रखी थी, मतलब कि 60,000 रुपये, और ये ब्लैक मार्केट में अभी मोबाइल चल रहा है 68-65 के दरमियान आपको ये मोबाइल मिल जाएगा, जो कि मतलब इन्फिनिक्स को ये करना चाहिए कि उन्होंने अपने बंदे भेजने चाहिए, या इन्फिनिक्स को ये जांच करना चाहिए, मार्केट में आकर देखना चाहिए जो हमने मोबाइल लॉन्च किया है जिस प्राइस में, उस प्राइस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उन्होंने लाजमी करना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं कर रहे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा ये उनको करना चाहिए, तो इस वजह से ब्लैक मार्केट में मोबाइल ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में अभी तक आया नहीं है, जो कि ब्लैक मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो कि मतलब 65-68 तक मिलेगा, लेकिन इसकी जो मार्केट ओरिजिनल प्राइस है वो है 60,000, मतलब कि 60,000 रुपये। तो फ्रंट डिस्प्ले इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देखें, बहुत ज़्यादा स्लिम मोबाइल है, उठाते भी वजन नहीं लगता, ये देखें वेट नहीं है इसका ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोबाइल है। इसका स्पीकर भी अच्छा है, मतलब अगर आप फ़ोन पे बात करते तो इसको अगर फुल वॉल्यूम है तो यहाँ पे रख के आपको बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आवाज़ आएगी आपको, लेकिन अगर आपको कान पे रख के बात करनी है तो वॉल्यूम को कम कर देना है, फिर कान पे बात करनी है, इसे वॉल्यूम को 9 या 8 पर रखना है, फिर जाके आपको सही से आवाज़ आएगी, वरना आपके कान के पर्दे ये फाड़ सकता है। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी लाजमी। थैंक यू।